यंग नोबेल प्राइज विनर और सोशल एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई की लाइफ के बारे में जितना पढ़ें वो उतना ही सबको इंस्पायर करती हैं। और शायद इसी वजह से फिल्म मेकर अमजद खान मलाला की बायोपिक बना रहे हैं। आपको बता दें, इस फिल्म में मलाला का किरदार निभाने जा रही है टीवी सीरियल अशोका की कौर वकी यानी रीम समीर शेख। यस, यू हर्ड इट राइट। पाकिस्तान की बच्ची को तालिबानी टेररिस्ट ने सर पे गोली उस वक्त मार दी जब वो तालिबानियों की चेतावनी के बावजूद स्कूल पढ़ने जा रही थी। पाकिस्तान के स्वात वैली में हुई इस दर्दनाक मंजर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, लेकिन मलाला की हिम्मत और जज्बे ने उनके इरादे और मजबूत किए। अमजद ने अपनी बायोपिक फिल्म गुल मकाई की शूटिंग इंडिया के भुज में ऑलरेडी शूट करना स्टार्ट कर दिया है। रीम शेख, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है, न बोले तुम न मैंने कुछ सुना, अशोका, न आना इस देश लाडो जैसे डेली सोप्स में काम कर घर घर में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं, वो मलाला यूसुफजई के किरदार के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। रीम ने अपनी वर्कशॉप्स में मलाला के तौर तरीके और बात करने के लहजे जैसी बारीक चीज़ों पर मेहनत की है। गुल मकाए में रीम की माँ का किरदार निभा रही है एक्ट्रेस दिव्या दत्त। रिसेंटली इस फिल्म का पोस्टर भी रिलीज हुआ है जिसमें मलाला का फेमस स्टेटमेंट जो उन्होंने यूएन स्पीच के दौरान कहा था, वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड, भी पोस्टर में डाला गया है। विवेश की बायोपिक गुल मकाए बड़े पर्दे पे काफी अच्छा काम करे और यूथ को मलाला की लाइफ पे बेस्ड इस मूवी से इंस्पिरेशन मिले। फिलहाल रिश्ता टीवी का में इतना ही। अपने पसंदीदा एक्टर्स और सीरियल्स की लेटेस्ट खबरों के लिए आप करें हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।